हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देने वाला हूँ एक अपडेट जो कि है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड। और यह जो अपडेट है वो काफ़ी टाइम पहले आ चुकी थी, और यह अपडेट भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है भाई जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं आया है। तो भाई अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ, जो लोग पूछते हैं कि भाई हमें मेल कहाँ पर करना है, तो भाई देखो मेल यहाँ पर कर लेना, ठीक है। ये जो दो मेल्स दी गई हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। support@upcc.in करके एक मेल ये है और एक दूसरी है। फिर लोग कहते हैं हमें कोई टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर का दीजिए, तो भाई ये वो भी पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से ये सब कर लेना, मंडे टू फ्राइडे 10 AM से 6 PM तक नंबर लग जाता है ये, और जो भी प्रॉब्लम है अपनी पूछ लेना। तो भाई ये जो मैंने अभी बताई ये सिर्फ एक जनरल क्वेरी थी, वो मैंने आपको बता दी। अपडेट ये क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ भाई। तो ये अपडेट ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये किसी स्टूडेंट का भाई यहाँ पर जो है स्टेटस है, रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है। अब तक तो सबको पता लग गया होगा भाई कि ये स्टेटस ही होता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक क्वेरी लिखी है, और क्वेरी में क्या लिखा हुआ है कि visit UPPC फॉर क्वालिफिकेशन करेक्शन इन योर फॉर्म। तो भाई यहाँ पर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अब क्या हो रहा है कि कुछ टाइम से अब यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर उनकी जो दिक्कत होती है फॉर्म में, भाई उनको क्वेरी में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है कि आप UPPC भाई विजिट करने आ जाओ। यानी कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है भाई, सीधे आप उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल आओ और आपकी समस्या का वहाँ पर समाधान किया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले कुछ केस ऐसे देखे गए थे भाई जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेरी होती थी और उसमें कोई अपलोड डॉक्यूमेंट करने को बोल दिया करता था। अभी हम यहाँ पर एक तरीके से ये भी मान सकते हैं कि भाई इन्होंने गलती क्या करी होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है यानी क्वालिफिकेशन करेक्शन, यानी इन्होंने भाई क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करते टाइम पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक करी ज़रूर होगी, इसीलिए यहाँ पर जो है किसी चीज़ की क्वेरी नहीं आई है, किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए नहीं बोला गया है, सीधे इनसे कहा गया है भाई UPPC को विजिट कर लो। लेकिन यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर भी कुछ क्वेरीज आई हुई हैं, और लेकिन उनको भी वहाँ पर काउंसिल बुलाया गया है। तो भाई मुझे तो सबसे अच्छा तरीका यही लगा कि भाई आप एक बार काउंसिल बुला लो और जो भी दिक्कतें हैं आप सब पूछ लो, कितने टाइम में रजिस्ट्रेशन आएगा, कितने टाइम में नहीं आएगा। तो भाई ये कोई एक स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या किया इन्होंने, रिस्पांस किया ऑल मार्कशीट डी फार्मा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने डी फार्मा की मार्कशीट अपलोड कर दी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ करना था नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला भाई सीधे विजिट करवा के, ठीक है। फिर यही केस हम बात कर लेते हैं दूसरे की, एक दूसरा स्टेटस भी है हमारे पास। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि काइंडली विजिट UPPC विदिन 7 days फॉर एग्जामिनिंग बॉडी नेम करेक्शन। तो भाई इनका कहना है कि भाई जो भी तुमने डिटेल भरी थी एग्जामिनिंग बॉडी, मतलब जब आपकी एजुकेशन की डिटेल वहाँ पर फिल करी जाती है, जब आप लोग हाई स्कूल के नंबर और ट्वेल्थ के नंबर और डी फार्मा या बी फार्मा के नंबर फिल करते हो, तो वहाँ पर एक ऑप्शन पूछता है कि नेम ऑफ एग्जामिनिंग बॉडी करके। तो भाई इन्होंने यहाँ पर यह गलती करी होगी, इसीलिए इनको कहा गया है भाई 7 दिन के अंदर आप UPPC विजिट करके आओ, विजिट करने आ जाओ, और जो भी समस्या है उसका समाधान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा बस यही कहना था इस वीडियो के माध्यम से कि भाई अब कुछ केसेज ऐसे देखे जा रहे हैं कि भाई सीधे UPPC कहता है भाई हमसे मिलने ही आ जाओ सीधे, और कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रिस्पॉन्स करने की नीड नहीं है। तो यही अपडेट देनी थी आपको कि भाई अब क्या है, अब यही सीन होने वाला है कि बहुत अब हर क्वेरी के केस में यही होने वाला है कि आपको सीधे काउंसिल बुलाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये टाइपिंग वाली मिस्टेक्स हमको देखने को मिली है, इसीलिए यहाँ पर काउंसिल ने बुलाया है। अगर आगे कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड, एक था मेरे पास स्क्रीनशॉट वो कहीं मिसिंग है, तो अगर वो मिलेगा तो उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अब यही सीन है कि भाई जिनका टाइपिंग मिस्टेक है उनको विजिट करने के लिए UPPC बुलाया जा रहा है, जिनकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिक्कत है उनको अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, और 7 दिन के अंदर भाई ज़रूर चले जाना, वरना फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो में बस यही एक अपडेट देनी थी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब